दोस्तों हम आपको पहले ही बता दें कि वीडियो में दी गई जानकारी श्री गरुड़ पुराण से ली गई है, इसलिए आप हमें कोई भी निगेटिव कमेंट ना करें। जैसे मनुष्य अपने पुराने जीन वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक वैसे ही जीव आत्मा शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल यूजफुल जानकारी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है कि मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है और शरीर से आत्मा बाहर कैसे निकलती है। जब गरुड़ देव भगवान विष्णु जी से यह पूछते हैं कि हे भगवान, आप मुझे बताएं कि जीव आत्मा किसी भी प्राणी के शरीर को कैसे छोड़ती है तथा आत्मा के शरीर से अलग होते समय शरीर की कैसी दशा होती है, मृत्यु क्या है, मृत्यु का स्वरूप कैसा है, मृत्यु कैसे होती है, इसका विस्तार आप मुझे बताएं। इस पर भगवान विष्णु मृत्यु का सच गरुड़ देव को इस प्रकार बताते हैं कि नंबर एक, मृत्यु के कुछ घंटे पहले से ही इंसान के पैरों के नीचे से अर्ध सोल चक्र डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब इंसान का धरती से कनेक्शन टूट जाता है और उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं। नंबर दो, मरने के बाद इंसान का संपूर्ण जीवन उसकी मृत्यु होने तक एक फ्लैशबैक की तरह उसे दिखाई देता है। अकॉर्डिंग टू साइंस के अनुसार यह सपना लगभग 7 मिनट तक दिखाई देता है। उसके बाद इंसान का ब्रेन यानी दिमाग सिट डाउन हो जाता है और अंत में इंसान अपने सुनने की शक्ति को भी खो देता है, जिसके बाद उसका एक्सटर्नल पार्ट टूट जाता है जो कि एक तरह से शरीर और आत्मा का कनेक्शन होता है। उसके टूटते ही आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। नंबर तीन, लंबे समय से शरीर में रहने के कारण वह आत्मा शरीर को छोड़ने से मना करती है। वो फिर से शरीर में प्रवेश करने की लाख कोशिश करती है, लेकिन वो अपने इस काम में असफल रहती है। जैसे हमारे लिए किसी की भी मृत्यु को स्वीकार करना आसान नहीं होता है, ठीक वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार करती है। नंबर चार, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा शरीर से 15 फीट ऊपर हवा में तैर रही होती है। वो अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है। उसके बारे में बोले गए शब्द उसे एक चोर की तरह सुनाई देते हैं, लेकिन वो आत्मा भी वहाँ मौजूद हर एक शख्स को लाख आवाज मारती है, लेकिन उसकी इस आवाज को कोई एक व्यक्ति भी नहीं सुनता, क्योंकि वह आवाज उन्हें सुनाई ही नहीं देती है। नंबर पाँच, हिंदू धर्म के अनुसार रात के समय में किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, उसे सूर्य देव की पहली किरण देखने के बाद ही जलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात के समय में किया जाए तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर लेती है और एक भयानक रूप ले लेती है। वह प्रेत आत्मा उन जगहों पर ज्यादा भटकती है जिन जगहों पर वह आदमी अपने जीवन में सबसे ज्यादा जाता था। नंबर छह, मृत्यु के बाद सबको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। अगर सबको रात भर घर में रखा जाए तो घर में मौजूद संपूर्ण परिजन उस सब की रखवाली करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उस मृत शरीर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, इसलिए उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता है। यदि नकारात्मक शक्तियाँ मृत शरीर में प्रवेश कर लेती हैं, तो यह एक बहुत ही प्रचंड रूप ले लेता है जिसे शांत करना आसान नहीं होता है। नंबर सात, मरते समय इंसान के पास दो यमदूत आते हैं और वह यमदूत मरने वाले व्यक्ति के साथ जैसा उसने अपने जीवन में अन्य लोगों के साथ व्यवहार किया था, ठीक वैसा ही व्यवहार वे यमदूत उसके साथ करते हैं। अगर मरने वाला व्यक्ति एक अच्छा है, सज्जन है, तो वह आसानी से अपने प्राणों को त्याग देता है, किंतु मरने वाला इंसान यदि पापी है तो यमदूतों के द्वारा दिया गया दर्द उसे तड़पा तड़पा कर मारता है। नंबर आठ, जिसके बाद आत्मा को एक प्रकाश भरी गुफा से होते हुए यमदूत यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में बेतरणी नदी को पार करते हुए आत्मा को जाना होता है। आपको बता दे कि ये नदी आग से लथपथ होती है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उसकी आत्मा तो इस नदी को आसानी से पार कर लेती है, लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति होता है तो उसे इस नदी में काफी दर्द भोगना पड़ता है, नए नए प्रकार की पीड़ाएं मिलती हैं। नंबर नौ, जिसके बाद उस आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है। फिर चित्रगुप्त उस जीव आत्मा का लेखा जोखा यमराज के समक्ष रखते हैं। उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नर्क भेजा जाता है। आपको बता दे कि गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 36 प्रकार के नर्क हैं। यहाँ बताई गई यातनाएं किसी की कल्पना से भी बहुत खतरनाक हैं।
नंबर 10, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने प्राणों को जानबूझकर त्यागता है तो उसे मरने के बाद और भी कठिनाई झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले ही हार मान ली है। यह शरीर हमारा नहीं है, यह शरीर तो एक किराए का मकान है जिसे हमें कुछ समय के लिए किराए पर दिया गया है। ये मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। नंबर 11, जो कि सबसे बड़ा सवाल है, जब मरने वाले व्यक्ति के प्राण निकलने का सही समय आ जाता है तो उसे एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है। एक बिच्छू के काटने से जितना दर्द होता है उसके कई गुना बिच्छू के काटने का दर्द उसे महसूस होता है। तब उसके प्राणों को हरने के लिए यम के दो दूत आते हैं और उसके अचेतन शरीर से उसके प्राणों को हर लेते हैं। यह प्राण ही आत्मा होती है। व्यक्ति के शरीर में 9 द्वार होते हैं, अर्थात 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह और 2 मलमूत्र त्यागने के द्वार होते हैं, जबकि एक ब्रह्म रंध्र होता है जो कि सिर के मध्य भाग में होता है। यह 10वें द्वार के रूप में जाना जाता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यम के दूत आत्मा को इन्हीं द्वारों से बाहर निकालते हैं। यह मनुष्य के कर्मों पर आधारित होता है कि उसकी आत्मा शरीर के किस द्वार से बाहर निकले। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मृत्यु के बारे में यह इफेक्ट काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।